हे गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। आज का टॉपिक जो है कि आई डोंट लाइक माई कॉलेज। हो सकता है आपको आपका कॉलेज का लोकेशन पसंद नहीं आया, दूर दूर तक मानव दिखते नहीं हैं, ऐसा हो सकता है। टीचर अच्छे नहीं हैं, मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, क्या सुना के समझते हैं, ईगो अलग ही लेवल का रहता है, हमारे बात तो सुनते ही नहीं है, मोटे मोटे ऐसा समझते हैं फालतू कोई काम का नहीं है। तीसरा, बाकी जो मेरे साथी बैठते हैं ना, वो अजीब अजीब से हैं, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं है, टाइम पास करते रहते हैं, बंक मारते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। कॉलेज का प्लेसमेंट तो छोड़ ही दो, राम भरोसे है, बेकार है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हो गया हो गया, TPO तो नाम के हैं बस, ऐसा है। सीनियर बोलते हैं भाई अपना खुद का देखो, इधर कुछ नहीं होना है। मेरा ब्रांच ही मुझे पसंद नहीं आ रहा है, सारे बोलते हैं ब्रांच बेकार सा है। 6 नंबर, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, थोड़ा कंफ्यूज हूं, मैं सोच रहा हूं क्या मैंने गलती तो नहीं कर दिया BTech में एडमिशन लेके, बिकॉज बहुत सारे बोल रहे हैं BTech बेकार है, BTech में जॉब नहीं है, BTech से फ्यूचर अच्छा होता नहीं है। तो देखिए, पहले बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर पहले लेता हूं, अगर मेरे को अभी भी BTech करना होता, प्लस टू अगर कुछ अच्छा कोर्स चूज़ करना होता, तो मैं BTech ही चूज़ करता, बिकॉज इससे बढ़िया कोर्स भाई है नहीं फिलहाल इंडिया के मार्केट में, बिकॉज इसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं, इसीलिए दिस इज़ द बेस्ट कोर्स। ठीक है, कोर्स के बारे में बुराई मत करो, करे कोर्स काफ़ी अच्छा है, आप इनमें के बारे में बुराई कर सकते हो, बिकॉज पॉसिबल है, कोर्स बहुत अच्छा है, इसलिए करोड़ लोग इस कोर्स पर डिपेंडेंट हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं इस पर पढ़ाई जो कर रहे हैं, अभी इंजीनियर के बदौलत आप कर पा रहे हैं, तो कोर्स तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब देखो यार, कॉलेज अच्छा नहीं है तो अगर आप सोच रहे हैं कॉलेज छोड़ने के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप फीस दे चुके हो, कॉलेज मत छोड़ो। एक बार आपने कॉलेज छोड़ दिया तो छोड़ने से पहले ज़रा सोचो कि भाई इसके बाद मैं क्या करूँगा। आपका 1 साल बर्बाद हो गया, आप बोलोगे सर मेरे को BSc में एडमिशन मिल जाएगा, BSc के बाद क्या करोगे। बहुत सा दिमाग होगा सर SSC का प्रिपरेशन करूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे। BTech के बाद कम से कम एक ऑप्शन रहता है, चाहे कम सैलरी मिल जाएगा, 15-20 हज़ार सैलरी मिल जाएगा, इतना ही मिलता है आपका थर्ड ईयर कॉलेज जो पढ़ते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है, 70-80% बच्चों का जो सैलरी होता है कम ही होता है। इवन यू आर वर्किंग इन सॉफ्टवेयर सेक्टर, आपका सैलरी वो 1 लाख पर मंथ भाई जो आप सुनते हैं नेट पर, वैसा बहुत कम लोगों का होता है। अब आप पर डिपेंड करता है आप उन कम लोगों में शामिल होते हो या नहीं होते हो। ओवरऑल BTech जो करके निकलते हैं टॉप कॉलेज से, उनका फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, एज ए फ्रेशर उनका सैलरी 2 लाख से 3 लाख पर मंथ होता है। स्ट्रगल कौन करता है जो एक सिंपल कॉलेज से पढ़ के निकला है, स्ट्रगल वो ज़्यादा कब करता है जब उसका फ्यूचर प्लान डामाडोल सा रहता है। इन जनरल ह्यूमन थिंकिंग क्या रहता है, कौन सा आसान चीज़ें बताओ कर लूँ और बढ़िया फ्यूचर हो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है। ईजी के साथ वेरी गुड का या फिर अच्छा का बोल सकते हो, अमेजिंग का, अमेजिंग फ्यूचर और ईजी का, इनके भाई आंकड़ा जो है बैठता नहीं है। अमेजिंग चीज़ को पाने के लिए आपको डिफ़िकल्टीज़ को पार करके जाना होगा, जो अच्छे कॉलेज में चले गए वो डिफ़िकल्टीज़ को पार करके जा चुके हैं। तो अगर आप कॉलेज क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास कुछ उससे बेटर होना चाहिए, अगर बेटर है तो क्विट करो। आप एग्जांपल समझते हैं बेटर क्या हो सकता है भाई, बेटर हो सकता है आप IIT क्रैक कर चुके हैं, क्रैक कर लेंगे, NIT में एडमिशन मिल जाएगा, या इससे काफ़ी बेहतर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आप बोलोगे सर मैं कर लूँगा, आप तो जाके प्रिपरेशन करूँगा, आप जरा सोचो, अपने आप से पूछो भाई आपने पहले क्यों नहीं किया, क्या आपको पता नहीं था। जो कॉलेज मिल गया ना, मैं देखता हूँ इन जनरल, मैं 80-90% केस में बोलता हूँ भाई उसी कॉलेज में
रह के आप कुछ बेटर करने की कोशिश करिए, मैं तो यही बोलता हूँ, कुछ बेटर करने की कोशिश करिए। क्यों? बिकॉज कॉलेज एक बार छोड़ दिया यार तो आपका एक साल बर्बाद होने का चांसेस है। अगर बीटेक में एडमिशन दोबारा तो अच्छे कॉलेज में मिलेगा नहीं, और ऊपर से एक साल बाद अगर अच्छा कॉलेज फिर से नहीं मिला तो एक साल बर्बाद हो गया, ऊपर से डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा अंदर से आ जाता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट है, ये मोटिवेशनल चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मोटिवेशन चीज़ चाहिए होता है तो 2 रुपये का मिलता है मार्केट में, मतलब क्या है 2 रुपये पर जीबी आपका नेट है। नेट पर सर्च करो मोटिवेशनल, अच्छा वाला आपको वीडियो मिल जाएगा उससे, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। 2 सेकंड का आएगा, 2 सेकंड गायब हो जाएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये रियलिटी बता रहा हूँ, और आपको साथ में गाइड कर रहा हूँ क्या करेंगे तो बेटर होगा। तो बेटर क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो ये चीज़ तो मैं चेंज नहीं कर सकता यार, मैं आपके जो फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए रास्ता बता सकता हूँ, बस फॉलो करो अच्छा हो जाएगा। बेटर क्या कर सकते हो भाई? देखो बेटर क्या, ये देखो ये क्या ना, ये तो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। इंडिया में 100 बच्चे बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो 80-90% बच्चे फेस करते हैं, और बहुत सारे को ये प्रॉब्लम रहता है। फूड, हॉस्टल फूड बेकार है भाई। देखो हॉस्टल फूड बेकार सिर्फ आपके हॉस्टल में नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, तो इसका सोल्यूशन मिलना बड़ा मुश्किल है। इससे बेहतर मतलब अगर हॉस्टल फूड बेकार है तो बाहर ले लो, जैसे मैंने ले लिया था। अगर आप उस जगह को जानते नहीं हैं तो 1-6 महीना रुक लो हॉस्टल में, उसके बाद बाहर चले जाना, बाहर रेंट लेके रह लेना। मैं तो बाहर रहा था भाई, 6 महीने के बाद बाहर निकला और बाहर रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को मिले, मतलब मैनेजमेंट थोड़ा सीखा, कम पैसे में कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे जल्दी उठ के जाओगे। ऐसा नहीं हॉस्टल में उठे और ब्रश करते करते मुंह धो के चला गया क्लास में, ऐसा नहीं, थोड़ा दूर जाना पड़ता है बिकॉज कॉलेजेस इन जनरल शहर से थोड़ा दूर होते हैं, तो आपको शहर में रूम लेके रहना पड़ता है, फिर वहाँ से आप ऑटो में बस में बाइक पे जैसे जाओगे आप, ठीक है, तो उसके हिसाब से ठीक है। तो बात करते हैं मैं आप क्या करोगे तो आपका बेटर फ्यूचर होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहला, मैं उल्टा चलूँगा थोड़ा सा, पहला क्या करिए भाई, अपने मार्क्स को अच्छा लाने का कोशिश करिए, जितना अच्छा ला सकते हो। टारगेट करो एटलीस्ट 75%, ऐसा ब्रांच में टॉप करने का कोशिश करो। ब्रांच में अपने टॉप करने, बोले टॉपर है कोई फ़ायदा नहीं है? फ़ायदा है भाई, बहुत फ़ायदा है। आगे रिज्यूम में लिखोगे मैंने टॉप किया था तो कुछ तो बात बनेगी ना। ब्रांच में टॉप करने का कोशिश करो। आप टॉपर बनने के लिए ब्रांच में क्या करना पड़ता है? 2 काम करना पड़ता है। इंटरनल मार्क्स अच्छा होना चाहिए, इसलिए असाइनमेंट अच्छा दो, टीचर से लड़ाई झगड़ा मत करो, खुद पर ध्यान दो, बाकी चीज़ को छोड़ दो। और दूसरा चीज़ क्या करना होगा, आपके इंटरनल मार्क्स तो इससे बढ़िया बन जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छे से लिखना पड़ेगा। उसके लिए रिप्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। हाँ, अगर आपको नहीं आता है, अगर आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो 15-20% नंबर आपका, फिर से सुनिए, 10-20% नंबर आपका इम्प्रूव हो सकता है। अगर 60 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर तक आ सकता है, ऐसा मेरे काफ़ी बच्चों का हुआ है, तो आप मेरे कोर्स बाय कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें मिल जाएगा आपको। उसमें 3 चीज़ें मैं सिखाया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, इंग्लिश मैं इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, कैसे इंग्लिश बोलोगे, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए होता है। दूसरा मैंने सिखाया हुआ एग्ज़ाम में कैसे लिखें, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करें, ये 3 चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए बाय करिए। अभी प्राइस तो 299 रुपीज़ है, लेकिन इस वीडियो के जरिए जो बाय करेंगे उनका होगा सिर्फ 199 रुपीज़, ज़्यादा नहीं। मार्क्स आपको समझ में आ गया, पहला मैंने आपको बताया कि किस चीज़ पर काम करो, मार्क्स पर। दूसरा क्या काम करना है आपको, मार्क्स अच्छे लाने के लिए इंग्लिश अच्छा होना जरूरी है, पढ़ाई अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। प्रेजेंटेशन स्किल्स पर आपका काफ़ी हद तक मार्क्स डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने काफ़ी बार देखा होगा 50 से घर 45 आ गया, 80 करके आया था 50 आ रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ राइटिंग ऑन या आंसर शीट, कैसे लिखते हो आंसर शीट पर, उस पर भी डिपेंड करता है। वो चीज़ इसमें सिखाया है मैंने अच्छे से, बिकॉज मैंने काफ़ी बार टॉप करा है, मैं यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिया, यूनिवर्सिटी में टॉप रैंकर्स रहा बहुत बार, तो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई हैव शेयर। इवन मैंने खुद करा, वो बड़ी बात नहीं है, काफ़ी बच्चे कर लेते हैं, मेरे काफ़ी बच्चों ने करा जिनको मैंने गाइड करा, दैट मैटर्स अ लॉट।
ठीक है, बिकॉज कोई टीचर है खुद करा हो इतना मैं नहीं मानता हूँ, अच्छा उसके बच्चे कर रहे हैं उससे पढ़ के, दैट मैटर्स अ लॉट, समझ रहे हो। दूसरा मतलब मान लो कोई डॉक्टर है, वो भाई खुद का बीमारी ठीक कर लिया, वो इतना बेटर नहीं करता है, दूसरों का बीमारी ठीक कर पा रहा है इलाज करके, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। चलो मेरा तो यही थिंकिंग है भाई, पहला। दूसरा चीज क्या करिए आप, अपने स्किल्स पर ध्यान दो। स्किल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट स्किल्स, जैसे ये वाला इंग्लिश वाला हो गया, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बोलने का तरीका, कैसे आप कोई चीज़, आपका जो बात है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी के दिमाग में कैसे डालोगे, दैट इज़ व्हाट कम्युनिकेशन। लैंग्वेज मैटर करता है इंडिया में, इंडिया में इंग्लिश को स्किल समझते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज है, स्किल क्या है, बोलने का तरीका। आपने लैंग्वेज में, जैसे हिंदी मेरे मदर टंग नहीं है, आई हैव लर्न दिस लैंग्वेज, इंग्लिश भी मेरे मदर टंग नहीं है, आई हैव लर्न दिस लैंग्वेज, मेरे मदर टंग तो भाई नेशनल लैंग्वेज है नहीं, तो मैंने इनको सीखा है, सो आई हैव लर्न दिस लैंग्वेज, बट स्किल था बोलने का वो मेरे मदर टंग से ही आया है, ये बोलने का तरीका आपको सीखना होगा, ठीक है। ये आपके लाइफ में कितना परसेंट काम आएगा भाई, 80% काम आएगा, ये सॉफ्ट स्किल 80% काम आता है, और जो हार्ड स्किल क्या होता है 20% काम आता है, बिकॉज जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो काम नहीं करते हैं खुद से, वो काम करवाते हैं, काम करवाने के लिए अच्छा बोलना आना चाहिए। तो आपको एज ए स्टूडेंट दोनों पर काम करना होगा, ये 20% है इसको छोड़ना नहीं है, पर काम करना पड़ेगा, ओके। हाथ का स्किल, सीएस का है तो कोडिंग सीखो, मैकेनिकल के हैं आप डिजाइन सीखो, वेल्डिंग सीखो, सोल्डरिंग सीखो, मशीनिंग सीखो, सिविल के हैं तो आप ड्राफ्टिंग सीखो, और भी चीजें हैं आपका सिविल में, इलेक्ट्रिकल हैं तो आप सर्किट के बारे में सीखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आप VLSI सीखो, एम्बेडेड सिस्टम सीखो, रेस्पेक्टिव ब्रांचेस का चीज़ से बता रहा हूँ। स्किल आपको एटलीस्ट एक लेवल तक होना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ आप इस स्किल को बेटर करने के लिए, ट्राई सम प्रोजेक्ट्स आफ्टर लर्निंग बेसिक, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाइए। आप बोलोगे सर हमारे कॉलेज में कुछ होता ही नहीं है, कॉलेज को छोड़ो यार, आप खुद को पकड़ो, आप क्या कर सकते हो बेटर, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। ये कहानी बहुत लंबा होगा अगर मैं बताऊँगा और, तो बट फिलहाल के लिए आप इन दो ही चीज कर लोगे तो आपका फ्यूचर बेटर हो सकता है, बहुत बेटर हो सकता है। और लास्ट नहीं बताऊंगा भाई मेरे, एक बात याद रखना, अभी आप ऐसा चीज चूज करना जो थोड़ा डिफिकल्ट है करने के लिए, बिकॉज डिफिकल्ट चीज का वैल्यू है मार्केट में, आसान चीजों का वैल्यू नहीं होता है। तो डिफ़िकल्ट चीज़ आप करेंगे तो वैल्यूएबल ऑटोमेटिक होगा, और वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना, बेटर फ्यूचर। अर्ली स्टेज ऑफ करियर में लोग क्या करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है यार आसान सा काम ढूंढो, उसमें वो फंस जाते हैं। फिर जैसे उनका 5 साल पीरियड ख़त्म होता है, मतलब 25 से 30 साल जाते हैं, 30 साल बाद 35 साल होते हैं, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा मेरा, सफोकेशन फेस करते हैं। सो जब आप करियर का स्टार्ट कर रहे हैं तभी आप डिसीजन लो ऐसा कि मैं कौन से फील्ड में जाऊंगा ताकि उसी फील्ड में मैं काफ़ी अच्छा आगे जा पाऊँ। हालांकि अनसर्टिनिटीज है अदर देन गवर्नमेंट जॉब सब जगह पर है, ठीक है, बट ये जो आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी हद तक आपको बेटर बना सकता है, काफ़ी हद तक आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। इतना ही था भाई इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो हर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हो, धांसू बढ़िया ऑफर कोई आता है, जॉब्स के नोटिफिकेशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है मेरा टेलीग्राम चैनल का, उस पे जाके आप ज्वाइन करिए। अगर आप ये तीन चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं सिर्फ 199 रुपीज़ में, डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर जाइए, क्लिक करोगे लिंक पर 299 ही दिखेगा, लेकिन प्रोमो कोड डालोगे आप तो 100 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिए,
नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक नीचे कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा आपको वो वीडियो बना के देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।